क्या आप जानते हैं 4 महीने की उम्र तक बच्चा नमक और चीनी के टेस्ट में फ़र्क नहीं कर सकता? क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका में एक बर्फ का क्रिस्टल क्या साइज होता है? हैरान मत होइए, एक एक क्रिस्टल का साइज एक स्कूल बस से लेकर एक ट्रक के बराबर हो सकता है। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ताश के पत्ते देखे या खेले जरूर होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, ताश के पत्ते में 4 राजा होते हैं, उनमें से एक राजा की मूंछें नहीं होती। उसे कहते हैं किंग ऑफ द हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन में शुरुआत में इस राजा की भी मूंछें होती थी। एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था, तब डिज़ाइनर उनकी मूंछें बनाना भूल गए। तब से किंग ऑफ द हर्ट्स बिना मूंछों वाले राजा बन गए। फैक्ट नंबर 2, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस करेक्टर को क्रिएट किया जा रहा था, तब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों से जंप कर सकता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन में आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो ने एनिमेशन में सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा, जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटने को मोड़ कर स्केच ड्रॉ करने पर काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी, ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ हो गया। फैक्ट नंबर 3, फोटो खींचते समय सी चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइली पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले विक्टोरिया एरा में लोग फ़ोटो खींचते समय सेफ टूनीस कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीब और शराब पीने वाले लोगों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि पुराने समय में हम राजा महाराजाओं के पोस्टर तो हमें कहीं भी स्माइली फेस देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 4, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाले महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और प्लूटोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनको अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर, किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं। उन्हें लेड के बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक वो ऐसे ही रखी रहेंगी। फैक्ट नंबर 5, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन ने नाम दिया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फैसिलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 6, यहां पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है और ना ही पैसों की कोई बारिश होती रहती है। तुम हर समय पैसे मांगते रहते हो, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ का वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब मौसम के बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक वह डायमंड ना बन जाए, और इस तरह हीरो की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 7, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू एमसी नाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वे 118 फीट दूर जा गिरे, जो कि अब तक किसी कार एक्सीडेंट में सबसे बड़ी दूर फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें भी आईं, लेकिन एक साल बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम में वापस लौट गए। फैक्ट नंबर 8, क्या कोई इतना लकी भी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक बार नहीं दो बार।
यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारी रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया। सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार एक ऐसी सुरक्षित जगह मौजूद था जहाँ वे सब लोग बच गए। फैक्ट नंबर 9, जहाँ 70 साल की अधिकांश महिलाओं को आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करते हैं, वहीं अमेरिका की चारू स्मिथ नामक एक ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया। वे भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में और लगातार 7 दिन तक। और तो और कॉन्टिनेंट में अटलांटिका जैसे टफ वेदर कंडीशन वाले कॉन्टिनेंट भी शामिल थे। ये महान उपलब्धि चारू स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची और फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया और रेस पूरी भी की। फैक्ट नंबर 10, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसका वजन हर रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है, तो वह बच्चा ब्लू वेल का होता है। वह अपने पहले साल हर रोज़ 90 किलो भारी हो जाता है और एक ब्लू वेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को।